Hello students, so now in this video we are doing a topic called economic role of the government. This topic is in syllabus which specifically mentioned hai as it is. So agge vadhan to pehla main tuhanu ye kahangi ki tusi is to pehla jo tuhanu is subject regarding videos miliyan hai ek ta economic systems di and ek economic reforms with new economic policy oh video tusi is to pehla dekhna. Agar tusi oh videos nahi dekhiyan actually dekhiya nahi rather unnu nahi study kita तो तुसी हजे इस वीडियो नू ना देखो. नाउ इकोनॉमिक रोल ऑफ द गवर्नमेंट का जो मतलब है कि गवर्नमेंट का रोल इकोनॉमी दे विच किहो जिहा होए, किन्ना होए, किस क्वांटिटी च होए ते उहदी नेचर एंड टाइप की होए. नाउ सानू पता है कि इकोनॉमिक रोल जिहड़े है वह कई तरह के हो सकते हैं. जिवें सब तो पहला है रेगुलेशन. रेगुलेशन जिहड़ा रोल है उहदे विच गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट दे कोल बहुत सारा कंट्रोल हुंदा है ते उस चीज़ नू उह डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स नू वो यूज़ करती है. रेगुलेशन का जो रोल है वो कभी भी खत्म नहीं हो सकता और वो एक राइट अमाउंट के विच हमेशा रहना चाहिए है. बिकॉज़ गवर्नमेंट बिकॉज़ जो सोशल वेलफेयर है या जो लोगों की देखरेख का मेन जिम्मेदारी है वो हमेशा ही गवर्नमेंट की रहेगी. सो अगर असी जिन्ना मर्जी प्राइवेट सैक्टर नू तरजीह देईए कि अगर सानू लगता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ लई सानू प्राइवेट सैक्टर चाहिए है और सानू ये भी पता है कि रेगुलेशन का जो रोल है वो घटता गया है गवर्नमेंट का, लेकिन एक मिनिमम अमाउंट ऑफ रेगुलेशन विल ऑलवेज बी देयर. रेगुलेशन दे विच की आता है जिवें लाइसेंसिंग पॉलिसी हो गई. हाँ अगर असी देखिए तो 1991 तो पहला लाइसेंसिंग पॉलिसी बहुत ज़्यादा कंट्रोल सीगा गवर्नमेंट दे कोल, लाइसेंस राज जिवें असी पहला भी डिस्कस किया है. हाँ उस तो बाद ये चीज़ जिहड़ी है वह काफ़ी घट गई है. ओके लेकिन स्टिल हाले भी कुछ बिजनेसिस है जिन्हां लई परमिट्स एंड लाइसेंसिस लेने पैंदे हैं, प्रॉपर परमिशन्स लेनिया पैंदियां हैं और प्रॉपर जो होर जो रेगुलेटरी मकैनिज़म है हर चीज़ का उसकी देख रेख करना वह हजे भी गवर्नमेंट का ही काम है. नैक्सट इज़ प्रमोशन. प्रमोशन तो भावे कि गवर्नमेंट किसी चीज़ को प्रमोट कर रही है, जिवें रीजनल डिस्पैरिटी हो गई अगर कंट्री दे विच, जिवें सानू पता है कि कुछ सैक्टर्स कुछ एरियाज जिहड़े है वो ज़्यादा ग्रो करते हैं कुछ नहीं करते, इवें ही रीजन वाइज कि कुछ स्टेट्स कुछ जो जोग्राफिकल रीजनस है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे. कुछ इंडिया दे विच इस टाइम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि कुछ अर्बन सेंटर्स दे विच ही ग्रोथ सिचुएटेड है और जो रूरल एरियाज हैं वो काफ़ी बैकवर्ड है एंड देर इज़ अ कॉन्सटेंट प्रॉब्लम ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया. सो इस इत्थे की आंदा है गवर्नमेंट का प्रमोशनल रोल टू प्रमोट रीजनल ग्रोथ कि सारे रीजनस की एक इक्यूटेबल ग्रोथ हो सके. होर इहदे च की आंदा है कि जिवें एक्सपोर्ट प्रमोशन करना. राइट एक्सपोर्ट प्रमोशन करने तो भाव है कि सानू पता है कि फ्री ट्रेड का जमाना है तो हर कंट्री नू अपने एक्सपोर्ट्स जिहड़े है वह वधाने चाहिए है. वैसे भी एक्सपोर्ट्स एक फॉरन करंसी का सोर्स भी है तो दूजा सानू ये भी पता है कि BOP जो क्राइसिस हो जाते हैं तो या करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज़्यादा हो जाता है. ये सारिया टर्म्स असी पहला पढ़िया हुई हैं BOP चैप्टर के विच, डरन की कोई जरूरत नहीं है. सो करंट अकाउंट डेफिसिट अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसको रिड्यूस करने के लिए एक्सपोर्ट्स वधने जरूरी है और वैसे भी इकोनॉमिक ग्रोथ लिए एक्सपोर्ट लैड ग्रोथ एक अच्छा जरिया बन सकता है. सो एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करना दैट कुड बी वन अदर रोल ऑफ गवर्नमेंट. अनदर इज़ एंटरप्रेन्योरशिप. ये मतलब है कि बिजनेस कर रही है गवर्नमेंट. सो गवर्नमेंट कोई नवा प्लांट लगा रही है, नवा कोई भी बिजनेस जिते गवर्नमेंट का रोल है एज अ बिजनेसमैन. गवर्नमेंट इज़ इंगेज्ड इन प्रोड्यूसिंग समथिंग. ठीक है हुण सानू ये भी पता है कि गवर्नमेंट का एंटरप्रेन्योरशिप का जो रोल है वह भी फ्रॉम इंडिपेंडेंस अगर देखिए वह भी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो चुका है. आई मीन इट इनिशियली बहुत ज़्यादा रोल सी हैवी इंडस्ट्री के विच टोटली गवर्नमेंट का ही रोल सी और बैंकिंग इंश्योरेंस इन सब दे विच भी गवर्नमेंट का ही रोल सी. हुण जो है ये रोल काफ़ी घट गया है ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन. गवर्नमेंट ने अपना सेल आउट कर दिता है अपना हिस्सा बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनीज़ दे विचों अते हुण वह नवे उन्हां विच भी इंगेज नहीं हुंदी, रादर बहुत सारी जगह तो एग्जिट करना चाहती है. जिवें एयर इंडिया नूं बेचण की कोशिश हो रही है, ईवन BSNL नूं भी काफ़ी मतलब फाइनल रिजल्ट उहदा किसी दिन जाके डिसइनवेस्टमेंट ही होगा, उन्हें वेचा ही जाऊगा. लेकिन हाले भी कुछ एरियाज़ हैं जिथे गवर्नमेंट की एंटरप्रेन्योरशिप काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट है, जिमें ऑयल एंड ऑयल एक्सट्रैक्शन या ऑयल रिफाइनरी लगा लो, उहदे विच प्राइवेट सैक्टर भी है लेकिन गवर्नमेंट का मेजर रोल है. माइनिंग दे विच गवर्नमेंट का मेजर रोल है. सो बहुत सारिया हाले भी PSUs पब्लिक सैक्टर यूनिट्स कंपनीज़ है जो उत्थे बहुत अच्छा रोल कर रहे हैं, जिमें ONGC है, ऑयल एंड नैचुरल गैस कारपोरेशन, GAIL इज़
गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड या सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये सारिया कंपनीज दे आर डूइंग रियली वैल। एंड एक इत्थे गवर्नमेंट का की रोल आता है, एंटरप्रेन्योरशिप का रोल, कि वो कुछ बिजनेस दे विच एंगेज है एंड इन बिजनेसिस दे विच गवर्नमेंट इज अर्निंग अ रियली गुड प्रॉफिट। नाउ नैक्सट टाइप का जो रोल है गवर्नमेंट का, दैट इज़ प्लैनिंग। नाउ वी नो कि प्लैनिंग असी करते सीगे आफ्टर इंडिपेंडेंस, बट नाउ असी स्टॉप कर देती है। प्लैनिंग इज़ अ फीचर ऑफ अ डबल प्लैंड इकोनमी, कमांड इकोनमी, ठीक है। सो हूँ असी ज़्यादातर मार्केट इकोनमी के रूप वल वध रहे हैं, सो असी हूँ प्लैनिंग नहीं करते। 2014 दे विच नीति आयोग बनया, सो उस तो बाद प्लैनिंग नहीं हुई है। हाँ, जिहड़ा 2012 दे विच फाइव ईयर प्लैन शुरू होया सी, विच वॉज़ द 12th फाइव ईयर प्लैन, जो कि 2017 च खत्म होया, वह जरूर कंटिन्यू किया गया। सो आफ्टर 2017 जो प्लैन खत्म होया, उस तो बाद इंडिया दे विच हुण कोई भी प्लैनिंग नहीं होंदी। सो गवर्नमेंट का प्लैनिंग रोल काफ़ी हद तक कर चुका है। लेकिन सो सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये सारा कुछ डिपेंड किससे करता है। बहुत सारे कंट्रीज दे विच गवर्नमेंट का रोल वैरी करता है। गवर्नमेंट कितने भी वेली नहीं बैठी है, कितने भी गवर्नमेंट ऐ नहीं हैगा कि उन्हें सारा कुछ मार्केट फोर्सेस से ही छड़ता है। इवन इन मोस्ट कैपिटलिस्ट इकोनमीज जिथे मार्केट ही सारा कुछ डिसाइड करती है, उत्थे भी गवर्नमेंट का रोल है, जिवें कि USA। लेकिन वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स से, लाइक स्टेज ऑफ डिवेलपमेंट। ऑफकोर्स जो असी एक लीज डिवेलपमेंट स्टेज होंगे हाँ, तो साड़ी गवर्नमेंट का रोल ज़्यादा होंगे, बिकॉज कंट्री च पावर्टी है, इन्वेस्टमेंट की कमी है, और ये सारा कुछ गवर्नमेंट ही कर सकती है कि पावर्टी नू दूर करना, इन्वेस्टमेंट नू प्रमोट करना, हैवी इंडस्ट्रीज़ लगाना। सो उस स्टेज दे विच रोल ऑफ गवर्नमेंट इज़ वेरी हाई। एंड जिवें जिवें डिवेलप्ड स्टेज दे विच होंदे जांदे आ, गवर्नमेंट का रोल जो है वह घटता जाता है, लेकिन एक नवी टाइप का रोल जरूर आता है वो भी। नैक्सट इज़ बिहेवियर ऑफ प्राइवेट सैक्टर। तुम ये देखो कि प्राइवेट सैक्टर का बिहेवियर या कपैसिटी भी अगर देखिए इतने कि प्राइवेट सैक्टर की कर रहा है, की कर सकता है। सो अगर एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस जो असी आज़ाद हुए थे, उदो प्राइवेट सैक्टर बहुत वीक सेगा इंडिया दे विच, ठीक है। सो इस करके गवर्नमेंट नूं लगता सी कि ये हैवी इंडस्ट्रीज़, ये सारा कुछ प्राइवेट सैक्टर ते हजे वस दी गल नहीं है, बिकॉज दे कैन नॉट इन्वेस्ट सो मच मनी। सो गवर्नमेंट नूं ही अगे आना पएगा। सो प्राइवेट सैक्टर दा बिहेवियर, प्राइवेट सैक्टर किहड़े सैक्टर्स दे विच जाना चाहता है। कुछ सैक्टर्स ऐसे होंदे आ जिथे प्रॉफिट जो है वह बहुत देरी नाल मिलना है, राइट। जिवें उत्थे प्रॉफिट जो एकदम दिख नहीं रहा सामने, कोई बहुत मिनरल एक्सट्रैक्शन ही लगा लो कि बहुत डिफिकल्ट है, पता नहीं उत्थे मिनरल है भी या नहीं। सो ऐसी सिचुएशन की होंगे, पहला गवर्नमेंट ज़्यादा इन्वेस्ट करती है, कोई स्पेस टेक्नोलॉजी, अटोमिक एनर्जी, इन चीज़ों हाँ गवर्नमेंट ने खुद अपने लिए रिजर्व भी रखे होंगे, लेकिन इतने जो है इन एरियाज़ प्राइवेट सैक्टर जाना भी नहीं चाहता होंगे। नाउ नैक्सट थिंग इज़ पोलीटिकल फिलोसफी। सू पता है पोलीटिकल फिलोसफी की है, कि जो असी कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड मिक्सड इकोनमीज़ वाला लैक्चर सीगा, उहदे च देखिया सी कि पोलीटिकल फिलोसफी हुंदी है एक कि तुहाडी सोशल वैलफेयर। अगर किसी गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा सोशल वैलफेयर की पोलीटिकल फिलोसफी नूं फॉलो करदे आ, तो दैन डेफिनेटली वह की करनगे, दे विल टेंड टू हैव मेजर रोल फॉर द गवर्नमेंट, राइट। अगर कोई किसी की पोलीटिकल फिलोसफी जो है वह कैपिटलिज्म साइड की है, कि उन्होंने लगता है कि नहीं सारा कुछ प्राइवेट के हाथ में होना चाहिए, दैन जो गवर्नमेंट का रोल है वह डेफिनेटली बहुत घट होंदा है। इंडिया दे विच जो पोलीटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा क्लीयर कट डेफिनेशन नहीं है, राइट। कोई भी पोलीटिकल पार्टी बहुत क्लीयरली नहीं दसदी कि वह उन्होंने पोजिशन की है, लेकिन ये चीज़ जो है US UK दे विच नहीं है। उत्थे पोलीटिकल पार्टीज़ का जो स्टैंस है, जो उन्होंने पोजिशन है, वह बहुत क्लीयर है। जिवें UK दे विच देयर इज़ अ पार्टी लेबर पार्टी, जो लेबर पार्टी बहुत ज़्यादा सोशलिस्ट पार्टी है। सो उत्थे उन्होंने की होंदा है, पता है कि अगर लेबर पार्टी की गवर्नमेंट आ गई तो गवर्नमेंट का रोल जो है बहुत ज़्यादा इनक्रीज़ करेगा। सिमिलरली उत्थे दूसरी पार्टी है कंजरवेटिवस, सो सानू ये भी पता होंदा कि अगर कंजरवेटिव की गवर्नमेंट है, दैट मीनस इट्स अ कैपिटलिस्ट ओरिएंटेड गवर्नमेंट, सो उत्थे उन्हों का गवर्नमेंट का रोल वुड बी लैस। सो हालांकि इस टाइम एट प्रेजेंट इंग्लैंड दे विच कंजरवेटिवस का रूल है। ना नैक्सट इज सोशल एटीट्यूड्स। ऑफकोर्स लोगों का सोसायटी की जनरल परसैप्शन की है। इन इंडिया वी नो कि सोशल एटीट्यूड्स आर ऑलवेज इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट का ज़्यादा तो ज़्यादा रोल, गवर्नमेंट ओनरशिप। अगर कोई चीज़ विक रही है, लाइक एयर इंडिया भी अगर सैल हो रही है, तो पीपल फील बैड। सानू अगर असी कितने भी सुनते हैं कि प्राइवेटाइजेशन हो रही है, तो सानू बहुत गलत फील होता है। हालांकि मैं समझाया सी कि प्राइवेटाइजेशन और डिसइनवेस्टमेंट इज़ नॉट ऑलवेज बैड, समटाइम्स वो चीज़ बहुत ज़्यादा लॉस मेकिंग है, उन्होंने वेचना ही, प्राइवेट हत्थों के विच देना ही एक बैटर ऑप्शन होंगी है। लेकिन अगेन सोशल एटीट्यूड्स, वन ऑफ द रीजनस कि एयर इंडिया नहीं विक रहा, वो पिछे
ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਣ 'ਚ ਇੰਨੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਬਿਕੋਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਐਟੀਟਿਊਡ ਉਹਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ BSNL ਇੱਕ ਲੋਸ ਮੇਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੂੰ ਅਗਰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਡਿਫੀਕਲਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਲੋਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡਿਫੀਕਲਟ ਟੂ ਗੈਟ। ਨਾ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸਿਸਟਮਸ ਕਿ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੈਟਅਪ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਆਈ ਮੀਨ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਜੋ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜੋ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੋਟ ਜਸਟ ਇਨ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬਟ ਸਮਟਾਈਮਸ ਈਵਨ ਇਨ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਸੋ ਟੈਂਡਰ ਦੇਣੇ, ਇਹ ਸਭ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਰੋਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਰੋਲ ਜੋ ਹੈ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਿਸ ਅ ਚੇਂਜਿੰਗ ਰੋਲ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੋ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਫਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਇਕੋਨਮੀਜ਼ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਪਲੈਨਡ ਇਕੋਨਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਇਕੋਨਮੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਫੋਰਸਿਸ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਫੋਰਸਿਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਿਫਟ ਆਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਫਟ ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਰੋਲ ਜੋ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਡੀ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸੈਕਟਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਗਿਆ, ਹਰ ਕੋਈ ਓਪਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਜਰ ਪਾਰਟ ਸਾਡਾ ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਟਰਮ ਹੈ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਗਰੋਥ। ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਗਰੋਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗਰੋਥ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਦੀ GDP, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ 'ਤੇ ਅਗਰ ਦੇਖੀ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ 'ਤੇ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੋਏਗਾ, ਐਂਡ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਗਰੋਥ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗਰੋਥ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੋਏਗੀ? ਉਹ ਸਮਟਾਈਮਸ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਪਸਾਈਡਡ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਗਰੀਬ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਜਦੋਂ ਆਫਟਰ 1991 ਜੋ ਹੈ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਫੋਰਮਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੋਥ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗਰੋਥ ਬੜੀ ਅਨਇਕੁਅਲ ਗਰੋਥ ਹੋਈ ਕਿ ਕੁਛ ਸੈਕਟਰਸ, ਕੁਛ ਏਰੀਆਜ਼, ਕੁਛ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਸ ਗਰੋਥ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਇਜ਼ ਇਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਨ ਨੋਨ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਗਰੋਥ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜੋ ਹੈ ਗਰੋਥ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਗਰੋਥ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗਰੋਥ ਔਰ ਜਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਗਰੋਥ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਵਾਸਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਨ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਫ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਗਰੋਥ, ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਪਿਕਚਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਕਿ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਗਰੋਥ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਗਰੋਥ ਹੋਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਗਰੋਥ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਛ ਸੈਕਟਰਸ ਔਰ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਪਾਵਰਟੀ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਗਰੋਥ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗਰੋਥ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਰੋਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨੇਬਲਿੰਗ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇ। ਇਨੇਬਲਿੰਗ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਸਕਣ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਸਕਣ, ਕਿ ਉਹ ਲਾਜ਼, ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਜੋ ਕਿ ਈਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਟੇਬਲ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੋਣ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫੇਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਲਾਜ਼ ਮੀਨਸ ਲੇਬਰ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਲਾਜ਼, ਲੈਂਡ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਲਾਜ਼, ਕੰਪਨੀਜ਼, ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ, ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ, ਚੇਂਜਿਸ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਲਾਅ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਲਾਅ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲਾਜ਼, ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਰੈਂਡਲੀ ਹੋਣ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਰੈਂਡਲੀ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਸਾਨ ਹੋਏ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ, ਬਾਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਰੋਡਸ, ਰੇਲਵੇਜ਼, ਪੋਰਟਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ, ਏਅਰਪੋਰਟਸ ਬਣਾਉਣੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਯੂ ਨੋ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਜੋ ਹੈ ਦੇ ਕੈਨ ਟਰੈਵਲ, ਐਂਡ ਆਲ ਦੀਸ ਥਿੰਗਸ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਹੈ
इफ़ ये सारा कुछ क्यों करना, सो दैट देर इज़ अ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस. जब ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस होएगी देन कॉरपोरेट्स जो है या प्राइवेट सेक्टर है दे विल बी मेकिंग मोर प्रॉफिट्स, दे विल बी ईजी, इट विल बी ईजियर टू डू बिजनेस. इना मतलब इन्वेस्टमेंट आएगी, इन्वेस्टमेंट आएगी तो मतलब वो इंडिया के ज़्यादा तो ज़्यादा बिजनेस सैटअप होंगे एंड इंप्लॉयमेंट जनरेशन जो है वो ज़्यादा होएगी. लेकिन इसके नाल नाल जो मेजर काम गवर्नमेंट को होर करना होंगे वो है सोशल सैक्टर स्पेंडिंग. सोशल सैक्टर मतलब सोसायटी का भी कुछ ध्यान देना है तो ही इनकलूसिव ग्रोथ होएगी. ठीक है, हुण सोसायटी का ध्यान है कि जिवें फूड न्यूट्रिशन का ध्यान रखना, बेसिक हैल्थ केयर, प्राइमरी एजुकेशन, राइट, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, ये सारिया चीज़ा गवर्नमेंट को नहीं छड़नियाँ चाहिदियाँ. ये गवर्नमेंट का चेंजिंग रोल है. सो गवर्नमेंट का हुण चेंजिंग रोल एवें है कि गवर्नमेंट हुण वो समान खुद मैनुफैक्चर नहीं कर रही है. ठीक है, बिस्किट बनाना, टूथपेस्ट बनाना, ये सारा काम गवर्नमेंट नहीं कर रही, जो कि 80s दे विच करदी सी कि गवर्नमेंट हर कोई चीज़ खुद ही मैनुफैक्चर कर रही है. वो सारा काम हुण प्राइवेट सैक्टर करता है. लेकिन गवर्नमेंट का जो रोल इत्थे आंदा है कि उन्होंने एक प्रॉपर लॉज, पॉलिसीज, इंफ्रास्ट्रक्चर देना प्राइवेट सैक्टर नू, और ग्रोथ जो है वह इनकलूसिव होवे, सारे नू नाल लेंदे हुए होवे, उदे लई जो है गवर्नमेंट नू सोशल सैक्टर स्पेंडिंग करनी चाहिए है. एंड सोशल सैक्टर स्पेंडिंग इज़ बेसिकली हेल्थ एंड एजुकेशन जो है प्राइमरी, और उस तो अलावा फूड न्यूट्रिशन, फूड सिक्योरिटी, लिटरेसी वल ध्यान देना, सैनिटाइजेशन वल ध्यान देना, ड्रिंकिंग वाटर, ये सारिया चीज़ा, हाउसिंग फॉर ऑल, इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल, ये सारा कुछ देना गवर्नमेंट का काम है. सो दैट जो ग्रोथ कारपोरेट सैक्टर वालों की जाएगी देश के दे, वह कुछ चंद लोगों को ही ना रहे, वह ज़्यादा तो ज़्यादा लोगों तक जाए, वो बेनीफिट ज़्यादा तो ज़्यादा लोगों मिलन. दैट इज़ कॉल्ड इज इनकलूसिव ग्रोथ. एंड फॉर दैट गवर्नमेंट का रोल हमेशा रहेगा.